हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे। और मॉर्निंग मॉर्निंग मैं काम करना शुरू कर दिया है। आज एक करी बनाऊंगी। और कैसे मैं बनाती हूँ ये देखिए, मेरा घर पे ना बहुत कॉकरोच है, मैंने कहा है आपको, फिर भी अभी स्प्रे करके कम हो गया है। तो वो आलू मैं ऐसे ऐसे करके जो जो खा लेता है कॉकरोच, वो ऐसे करके छील लेती हूँ। और देखिए, कुछ ऑर्डर दिया था ऑनलाइन में, वो चले हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, एंड उसको मैं रिफिलिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये ना बहुत काम का चीज़ें हैं, मतलब ग्रेटर जो एकदम, मतलब ऑनियन वगैरह छोटा छोटा, इवन कैरेट वैरेट भी, कोई भी सब्ज़ी मैं कट करती हूँ छोटा छोटा पीस करके, मतलब बारी बारी जो काटना होता है ना, बहुत टाइम लगता है इसमें, जल्दी हो जाता है। और अभी देखिए, मैंने मास्टर ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर अभी मैं ये नया तरीके से करती हूँ, ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई करना है। पहले एक को फ्राई कर लेना है, एंड मिक्सर के अंदर, मतलब मिक्सी जार के अंदर टोमेटो, फिर जिंजर गार्लिक, फिर ग्रीन चिली, ये सब दे के एक पेस्ट बनाना है। एंड ऑनियन को हल्का फ्राई करने के बाद इसको दे कर अच्छे करके पकाना है। एंड मास्टर ऑयल में अच्छा होता है, उसके अंदर जो भी खड़ा मसाला होता है, वो गरम मसाला, थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड लास्ट को आपको देना है थोड़ा सा गरम मसाला। एक तो घी दे दीजिए लास्टे, आरो टेस्ट आशे। नंदिनी को फेमस आर की ढाका दिए देवो। और रात को मैंने सोचा, बहुत दिन हो गया ये ऑयल को, कैन ऑयल का जो कैन है वो मेरा जो मैम मैंने मेड है उनको देकर मैंने क्लीन करवाया है, तो उसको अभी थोड़ा सा, बहुत दिन हो गया भर्ती नहीं किया, तो थोड़ा सा रिफिलिंग कर लेती हूँ। काम करती हूँ तो एक दिन ये काम का इतना जोश आ जाता है, पूरा कर लेती हूँ। और जिस दिन बैठे रहती हूँ, बैठे ही रहती हूँ, काम करने का मन ही नहीं होता है, होता है ना, मतलब। और जिस दिन काम करती हूँ, करते करते बाथरूम साफ, पूरा जो भी है ड्रॉयर वगैरह साफ कर लेती हूँ, फिर इतना टायर्ड हो जाती हूँ ना, कुकिंग करने का मन ही नहीं करता है। अकेला का संसार में शायद ऐसा होता है, आप लोगों को शायद होता है क्या, मतलब काम करूँ 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 लगता है कैसे करूँ, अगर एक बार कर लूँ तो एक के बाद होते होते पूरा ही क्लीन हो जाता है। और मैंने बहुत दिन से सोच रही थी ये जो क्लीनिंग करवाना है ये मिक्सी, क्योंकि बहुत यूज़ होता है इसको, क्लीन नहीं करते, तो इसको आज क्लीन कर लिया मैंने। और यहाँ पर ऊपर देखिए, ये सब कितना गंदा करता है कॉकरोच। खेले शुटा, तो ये मैं रेगुलर तो यूज़ इतना नहीं होता है, इसलिए मैं उसको धोने के लिए डाल रही हूँ, वो आके क्लीन करेगी। करते करते देखा मैंने, इसके अंदर भी बहुत गंदा कर दिया। इसके अंदर मैं ब्रश वगैरह ये सब पेस्ट, फिर साबुन ये सब रखती हूँ, तो ये तो खाने का चीज़ नहीं है, इसलिए कॉलिन से स्प्रे करके मैं पोंछ दिया, क्योंकि खाने का चीज़ है तो उसको धोना पड़ता है। एंड अभी ये थोड़ा सा मैं ऐसे क्लीन कर रही हूँ, और देखिए वो धो के गई है। और अभी मैं एक एक करके, अभी एक्चुअली पानी सूख गया है, जो पानी नहीं सूखा है वो मैं पोछ लूँगी थोड़ा कपड़ा से। एंड ये कॉर्नर में कितना गंदा हो गया देखिए, ये ऑयल टॉयल, एक्चुअली कुकिंग करती हूँ ना, ऑयल लगता है पूरा, तो मैं कॉर्नर तो एवरीडे क्लीन नहीं होता है, तो बीच बीच में हफ्ता में 2-3 बार मैं कॉर्नर क्लीन करती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ हार्डवर्क में, अगर आप हार्डवर्क करोगे कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आप ज़रूर उसमें सफल कम होंगे। मेरा बेटा बोल रहे थे मामा टोमेटो दे दो, मैं बोला टोमेटो 80 रुपीस किलो है, 60 रुपीस किलो है ये लोकल मार्केट में। आप लोग का उधर कितना है टोमेटो का प्राइस, अभी कितना चल रहा है मुझे बताना, ज़रूर कमेंट करना। और तो मैंने बोला अभी कच्चा टोमेटो खाने के लिए नहीं है, अगर थोड़ा सा दाम कम हो जाए मैं फिर में टोमेटो देती हूँ। तो और ये ना जो मेरा चॉकलेट का जो डब्बा था वो क्लीन करने के लिए डाल दिया था, तो वो सूखने के लिए थोड़ा सा रख दिया, नहीं तो गीला हो जाएगा तो चॉकलेट ख़राब हो जाएगा। और ये सब हो गया मेरा, ऊपर मेरा कप्स वगैरह ऐसे सब कांच का रहता है, इधर नीचे ऐसे बाउल टाउल रखती हूँ, तो स्टील का दो, ये टिफिन मेरा बच्चे के लिए है, और ये है ऑयल का सेट, मैंने कैन जो भी है ऑयल का सेट। एंड इसके अंदर मैं चम्मच वगैरह सब रखती हूँ, बट पानी सूख जाए तो उसके बाद मैं अंदर रख देती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, तो यही है, ठीक ठाक कर लिया।
और शाम को मैंने सोचा थोड़ा सा दूध बॉईल कर लेते हैं, इसलिए दूध बॉईल कर लिया। और जो भी कुछ कुछ चीज़ें हैं नेक्स्ट डे का, तो मैंने थोड़ा सा सब्जी कट कर लिया, बच्चों को टिफ़िन में देना इजी होता है। और इसके साथ देखिए मैं थोड़ा सा दो अलमारी का दो ताक क्लीन कर पाई हूँ, मतलब ठीक ठाक यहाँ पर जितना भी मेरा सलवार वगैरह बच्चे का रहता है, एंड नीचे ये नेट वगैरह जितना भी बेडशीट इधर ही रहता है। और ये चूड़ी जो देख रहे हो ये मेरा अम्मा ने मुझे दिया था मेरा बेबी शावर के टाइम।